अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एम पी एस सी से का लेक्चर नंबर 16। वीडियो शुरू करने से पहले आप जो सिर्फ बच्चे प्लीज आपसे चैनल में नहीं होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल सके। ठीक है, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 16 में हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ये क्या है, उसी चैप्टर के आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, इसके भी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल आप देख ही लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम आगे चलते हैं तो अच्छा, इसमें आप देख लें इसको सॉल्व करने का तरीका क्या मैथड क्या। आपने क्या करना है, पहले स्टेप में स्टेप वन में आपने करना है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, आपने सिर्फ पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फाइंड ऑल बाउंड्री पॉइंट एट विच द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम करना है। उसके बाद आपको जो पॉइंट दिए गए हो आपने उस पॉइंट पर वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने जो भी पॉइंट आ रहा है आपको, ठीक है, तो लार्जेस्ट होगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, सो ऑन। ठीक है, तो ये तीन स्टेप हैं, ये आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में आई वी एस को हम देख लेंगे तो बस में आ जाएगा। ठीक है, किसी से सॉल्व हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन में आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर नंबर इस और आपका ओवरव्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहें तो आपको एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो लेक्चर 16 में आप देखें, आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ लेक्चर 16 में, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3y स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड आर इज अ ट्रायंगुलर रीजन विच वर्टिसेस। ठीक है, आपको तीन पॉइंट दिए हुए हैं, ओ दिया हुआ 0 0, ए दिया हुआ 3 0 एंड बी दिया हुआ 1 4। वो कह रहा है कि देन फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट अलॉन्ग द लेंथ सेगमेंट ओ बी। ठीक है, आपको तीन पॉइंट दिए हुए लेकिन आपको फाइंड करने का बोल रहे हो, वो भी आपने मालूम करना है। ठीक है, एट विच द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्स वाई कैन अकर। ठीक है, क्योंकि आपके एक्सट्रीम वैल्यू पे आपकी एक्स या वाई की वैल्यू है वो आपने निकालनी है। ठीक है, इस पर ओ बी पे, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये आपको दिया हुआ सोल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको ठीक है, तो लेक्चर में सिक्सटी हमारे पास आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ। ठीक है, अब आप देखें कि इसने आपको तीन वैल्यू दी हुई है, एक ओ की दी हुई है, एक ए की दी हुई है, बी बी की दी हुई। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि ओ की वैल्यू हमें ये दी हुई है। ठीक है, ए की दी वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, हमें निकालना है ओ बी। ठीक है, ओ बी निकालना है। अब ओ बी जब हम इस साइड निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला होता है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ टू पॉइंट, टू पॉइंट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो ये होता है, टू पॉइंट हमारे पास जी हो गई हो तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उन्होंने सी से लिखा हुआ है, आप इसको सी से आसान करके लिख दें। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है पहला लाइन सेगमेंट हमें दी हुई है मालूम करनी है ओ बी। ठीक है, ओ बी पे हमारे पास क्या है, ओ बी पे, ओ पे हमारे पास 0 0 और बी पे क्या है हमारे पास है 1 4। ये हमारा है एक्स वन, ये है एक्स टू, ये हमारे पास वाई वन, ये है वाई टू। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हमने लिखा वाई वाई, ठीक है, वाई माइनस वाई वन, वाई वन क्या हमारे पास है 1 लिख दिया, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या हमारे पास 0 0 लिख दिया हमने। ठीक है, और वाई टू क्या हमारे पास, वाई टू 4 4 लिख दिया। ठीक है, वाई वन क्या हमारे पास 1 1 लिख दिया। अब एक्स टू और एक्स वन क्या हमारे पास 0 0 लिख दिया हमने। ठीक है, और वाई माइनस वन ऐसे आ गया, एक्स माइनस 0 होता है एक्स। ठीक है, 4 में से 1 गया आया 3 और 0 माइनस 0। ठीक है, अब 0 0 हो गया ख़त्म। ठीक है, अब वाई माइनस 1 यहाँ आ गया। ठीक है, और ठीक है, और एक्स ऐसे आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ये हो रहा है माइनस का 1। ठीक है, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, वहाँ चले गए वहाँ जाके हो गया प्लस 1। ठीक है, अब हमारे पास बचा वाई डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, और 3 प्लस 1। ठीक है, एक्स चले गया वहाँ, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई 4x। ठीक है, 3 प्लस 1 हो गया 4x। ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 4x। ठीक है, हमें निकालनी होती है एक्स और वाई की वैल्यू। अब हमारे पास वाई की वैल्यू 4x आई है, अभी हमारे पास प्रॉपर वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाई को पुट कर दिया इक्वेशन में, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें हमने पुट कर दिया। जब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास जहाँ वाई था हमने वहाँ पुट कर दिया 4x। हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4 4 16x आया। ठीक है, 4x आया, हमने इसको सॉल्व किया तो वहाँ 63 48 इसको सॉल्व करने में हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, माइनस 48x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस होता है माइनस, तो हमारे पास आ गया 44। यहाँ हमारे पास इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब क्या किया हम, ठीक है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास ये आंसर आ गया, हमने इसका ले लिया डेरिवेटिव। देखो, जब हमने x के स्क्वायर डेरिवेटिव लिया तो हमारा आंसर क्या आया, x हो गया 1 2 और 42 44 मल्टीप्लाई हुआ 2 से क्या हो गया 88x। ठीक है, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। अब देखें यहाँ x आ गया, अब हम लिखा हमने, अब हमने इसको काट दिया, 2 1 2 2 4 2 4। ठीक है, अब 2 4 ये है अपॉन वैल्यू, ये ऊपर है 1, तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 44। ठीक है, अपॉन वैल्यू आ गया हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे 4। अब हमें निकालनी y की वैल्यू, तो हमने क्या किया, जो हमारे आंसर आया x को पुट कर दिया y में, y क्या हमारा, y है हमारे पास 4x। ठीक है,
तो एक्स की जगह पे हमने 1/4 पुट कर दिया, तो हम 4 से 4 कर दिया, तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/11। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये आ रही है और वाई की वैल्यू ये आ रही है, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, अब हमें लिख दिया थर्ड क्रिटिकल पॉइंट एट विच द एब्सोल्यूट एक्स की वैल्यू इज ये है। ठीक है, तो सिंपल ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्ट्रीम कैन बी अकर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छी तरीके से अगर आप आ गया सारे क्वेश्चन आपने यही फॉलो करना है, पूरी पैटर्न इस्तेमाल करना, आपका सारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आकर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आपको एक ट्रायंगुलर दिया हुआ है। ठीक है, आपको 3 वैल्यू दी हुई है, आपने बिल्कुल उस तरीके से निकालना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप आगे हैं, आगे आपको ये दिया हुआ अलॉन्ग द फंक्शन कैन अकर, इसमें सिर्फ आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, वो बहुत आसान है, आप निकाल लें, सफल आ गया। ठीक है, आप आ गया तो ये भी आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल के यहाँ पर आपको समझ। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख लें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं खुद आप यहाँ चलूँ इसके लक्ष्य की तरफ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में। ठीक है, ये आपने स्टेप फॉलो करना है, आपका आराम से आ जाएगा। आप अब देखिए 3 दी है आपको डायग्राम, देखिए ये को आपने एग्जाम्पल में देख लिया, तो आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके सॉल्व करेंगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी फर्स्ट के आपको 0 0 पे आप जो वैल्यू आप लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, जो जो पॉइंट है जिस एक्सेस पे वो आप यहाँ लिख देंगे टेबल पर शो करके, वो आपको आंसर कर देंगे। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल देखें जो हमने अभी सॉल्व किया है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसी है, अब इसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, फर्क देखिए, हम ये आपको इसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, आपको निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू, वो भी आपको निकालना है। ठीक है, आपको 3 पॉइंट दिए हुए, तो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो है ए बी सी है। ठीक है, हमारे पास ए क्या 0 0, बी में गया 3 0 और सी के हमारे पास 0 5। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे उसमें लिख दिया लाइफ सेगमेंट 0 0 एंड 3 0, यानी कि जो हमारी पहली लाइफ सेगमेंट है क्या है वो 0 0 से लेके 3 0 के दरमियान है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई 0 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वी हैव वाई 0, जब वाई की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो देखें हमारे इक्वेशन क्या है ये, तो यहाँ पे हम वाई 0 पुट कर देंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 0, हमारे पास आंसर क्या बचा, -6x + 7। यहाँ पे क्या आ गया, -6x + 7। ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू निकाल ली एक लाइन की, दूसरे पॉइंट दूसरे पर गए, दूसरे पर लाइफ सेगमेंट बिटवीन 0 0 एंड 0 5, क्या 0 0 एंड 0 5। अब 0 0 और 0 5 पर क्या वैल्यू, देखिए वाई इंटरसेप्ट यानी क्या x0 हो गया। जब देखें यहाँ पर अगर आप x0 करते तो x0 0 क्या आएगा, -3y। ठीक है, और +7। ठीक है, यहाँ पे आप अगर नीचे आकर देखें तो -3y + 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब तीसरे मैंने लाइन सेगमेंट बिटवीन 3 0 एंड 0 5, अब देखें 3 0 3 0 5 पे एक लाइन पॉइंट जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करते हैं फॉर्मूला जो हमने अभी सॉल्व किया था ना, फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का, लाइन बिटवीन 2 पॉइंट, तो वो फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो देखें यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला शो नहीं किया हुआ, अगर आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर दें जो हमने ऊपर देखा था अभी, y - y1 x - x1 = y2 - y1। ठीक है, इसी तरीके से क्या x2 - x1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है x1, ये x2 है। ठीक है, ये है y1 और ये है हमारे पास y2। ठीक है, अब ये वैल्यू आप फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास ये जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास तीनों वैल्यू आ जाएंगे, जिस पॉइंट में जो वैल्यू आई है वो आप यहाँ पुट कर देंगे तो आप शो कर देंगे। ठीक है, सिंपल इसमें ये फार्मूला करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये खत्म हो गया आपका लेक्चर। अगर आप मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये पेज नंबर दिया हुआ है, एक्सरसाइज दी हुई है, इस क्वेश्चन पे आप जाके देख लें। ठीक है, तो एक मतलब फिर देख लेते हैं, तो ये यहाँ पर जो है आपका लेक्चर नंबर 16 खत्म हो चुका है। ठीक है, सिर्फ इसका एक लेक्चर लगे, लेक्चर नंबर 17 है, इसमें भी थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो वो हम करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 17 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।